हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुक्खर परिंदा। तो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं लखनवी जायका का आनंद उठाने के लिए ब्रह्मपुत्र मार्केट सेक्टर 29 में, जहाँ पे गाइज सबसे पहले जब आपके माइंड में आता है कि कबाब आपके सीधे माइंड में आता है कि वो नॉनवेज आइटम है, बट नहीं गाइज, दैट इज़ रॉन्ग। तो जब कबाब जो है वो वेज में भी आता है, तो वेज का कबाब हम लोग ट्राई करने के लिए आए हम लोग। तो चलिए गाइज, आइए पूछते हैं इनसे क्या क्या, मतलब किस चीज़ का बनता है ये वेज कबाब जो रोल होता है, और क्या क्या इसके अलावा क्या क्या होता है। तो गाइज ये है जी लखनवी जायका। तो गाइज इवनिंग के टाइम में ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो चलिए आइए भैया से बात करते हैं कि किस चीज़ का बनता है और इसके अलावा अपने पास क्या क्या होता है। भैया हमारे, भैया नमस्कार, भैया कैसे हो आप? सब बढ़िया जी। तो क्या बना रहे हो आप? ये वेज कबाब है। वेज कबाब, वेज गलावटी कबाब, वेज कबाब, पनीर कबाब। तो किस चीज़ का बनता है ये? चने की दाल, अरहर की दाल का बनता है, केला कटहल का। अच्छा अच्छा जी, बढ़िया। तो मतलब इसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब आपको सुबह से तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए भिगो के रखनी पड़ती है? हाँ जी, ये रात में भिगता है। अच्छा, सुबह बनाना पड़ता है वही 12 बजे बाद। ठीक है ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी सुना है, मतलब आपका काफ़ी अच्छा होता है जी। क्या स्पेशल है ऐसा? आपकी चटनी में भी काफ़ी सुना है कि चटनी में ये धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्चा। ठीक है ठीक है जी, तो ये चटनी हमारे को साथ मिलने वाली है। हाँ जी, तो क्या क्या बनाते हो आप? लाइक मैं वेज कबाब बनाता हूँ, वेज गलावटी बनाता हूँ, पनीर कबाब बनाता हूँ। ठीक है, क्या डिफरेंस क्या दोनों में? सब में टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, सबके खाने में। फिर पनीर आईटी जी, उसमें क्या होता है? वो होता है राजमा कटहल का होता है। अच्छा, ये चने की दाल होता है। ठीक है, और जो पनीर कबाब बनाता हूँ वो चने के बनाता हूँ। अच्छा अच्छा जी, उसमें टमाटर, प्याज, धनिया सब पड़ते हैं, सब मिक्स करके वो चटपटा होता है। ठीक है, तो लगाइए हमारा भी भैया। ठीक, ये मिक्सर है, आप किस चीज़ का बोल रहे थे? दाल का जी, चने की दाल का है। ठीक है, तो ये अभी गाइस ये रॉ मटेरियल है जो मतलब लाइक जाने वाला है तवे पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया आपसे एक बात पूछनी थी कि सबसे पहले वेज कबाब रोल आया था या नॉन वेज कबाब रोल आया था? पहले वेज था, उसके बाद नॉन वेज आया। हाँ, क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो वेज की स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद नॉन वेज आया था। नॉन वेज बाद में आया, पहले वेज ही था। तो गाइस मतलब अगर आपको भी ट्राई करना हो ना, लाइक आप नॉन वेज नहीं खाते तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हेल्दी होता है, हेल्दी भी होता है, क्योंकि ये चने की दाल का बना हुआ है और दाल को आपको पता ही है कितनी बेनिफिशियल होती है। और इसके साथ क्या मिलता है हमें? ये मुगले पराठा मिलता है। मुगलई पराठा जी। इसका नाम मुगलई क्यों बना भैया? उल्टे पराठे, उल्टे दबे के है ना। अच्छा, उल्टे दबे के पराठा जी। एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो इसको गाइस मेरे माइंड में यही आ रहा था कि उल्टे दबे का कुछ बन रहा है, बट तो भी आप कौन सा लगा रहे हो? कुछ चने के लगा रहा हूँ। अच्छा, और जो आपने दूसरा बोला है वो वेज गलावटी है। ठीक है, वो भी लग जाएगा? हाँ जी, वो भी बना रहा है। ठीक है, तो भैया अभी जो लगा रहे हैं वेज कबाब रोल लगा रहे हैं, अब मुगले पराठा लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसे हम लोग उल्टे तवे का पराठा। हाँ जी, ये उल्टे तवे का पराठे बनने जा रहा है, ये अच्छे से राउंड करती है। किस चीज़ का बनता है भैया? आटा मैदा दोनों मिक्स। ये भैया ने ऑयल लगा दिया है उल्टे तवे पर। इस तवा देख रहे हो आप कितना मतलब यूनिक ही है, ये पराठा वाला लग चुका है, ये ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल आ चुका है। इसको अच्छे से ना प्रेस किया जाता है ताकि अच्छे से सिक जाए। एक साइड से पूरा सिक चुका है, देख सकते हो। गाइस ये हमारा उल्टा तवे का पराठा भी रेडी हो गया, तो अभी इसकी प्लेट लगवाते हैं। ठीक है, ये उल्ट खाली लगा रहा हूँ। ठीक है, ये चाट मसाला, बढ़िया। ये हो गया प्याज, ये हो गया नींबू, ये हो गया आपका चटनी, ये हो गया मुगले पराठा, बढ़िया जी। तो गाइस हमारी जो है पराठे के साथ थाली रेडी हो गई है विद वेज कबाब। क्या बात है, भैया ने नींबू डाल दिया ऊपर से।
ये वेज कबाब रोल बनाने जा रहा हूँ। सिंगल कबाब का रोल, ठीक है। इसमें डबल टिक्की भी डल जाती है, डबल भी पड़ती है, सिंगल बना रहा हूँ आपके लिए। तो गाइस मुझे जैसे कि बहुत कुछ खाना है तो इसलिए मैं सिंगल टिक्की का ही बनवा रहा हूँ। तो ये डबल भी लगता है और सिंगल भी लगता है। सिंगल का क्या प्राइस है और डबल का क्या प्राइस है? सिंगल है 30 का, डबल है 50 का। ठीक है जी। थाली और अगर मैं पराठा और उसकी प्लेट बात करूँ, वो थाली 60 की है, वो 60 रुपीज़ की जी। वेज गलावटी 80 रुपये प्लेट है, ठीक है। पनीर कबाब 100 रुपये प्लेट है, ठीक है। पनीर कबाब में तो पनीर की बारिश कर देते होंगे आप? हाँ जी, वो भुजी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? भुजी की तरह। बढ़िया। ये भैया ने नींबू डाल दिया, प्याज और जो कबाब की टिक्की थी वो रख दी पराठे पे। ये चटनी डालने जा रहा हूँ, पूरा बारी है इनकी चटनी। मोड़ दिया। ये हमारा वेज कबाब रोल। लाइक आप टिक्की को ना रोल में भी बनवा सकते हो और नॉर्मल पराठे के साथ भी खा सकते हो। तो अब मैंने दोनों बनवा लिए हैं और इसके अलावा मैं जो लगवाने जा रहा हूँ वो है वेज गलावटी। ये वेज गलावटी रोल जो कि राजमा और किसका मिक्सर है? राजमा कटहल का है, कटहल का मिक्सर है। तो ये भी गाइस टेस्ट करते हैं, मतलब ये भी लगवाते हैं अपना और सब कुछ आएंगे कि आपको यहाँ पे क्या बेस्ट है। कटहल का है वेज गलावटी कबाब। वैसे ये जो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ना ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि वेज कबाब रोल जो नॉर्मल है वो मैंने ट्राई किया हुआ है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। तो सबके जो टेस्ट हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, वेज गलावटी कबाब थाली। वैसे ये हमारा वेज गलावटी कबाब है। चार मसाला, नींबू, प्याज से नींबू। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है मुझे खाने में, क्योंकि मैंने सब कुछ लगवा लिया। और अभी एक और चीज़ आएगी जो रह गया हमारा दाल का, ये है जी वेज गलौटी। ये टिक्की है वो वेज गलौटी की, और साथ में मैंने ले लिया पराठा। अभी एक चीज़ और रह गई हमारी, वो है भैया कौन सी चीज़ें हमारी? पनीर कबाब। पनीर कबाब रह गया जी, वो अभी लगवाते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ टेस्ट करके बताते हैं आपको भी कैसे। तो गाइस अब हम लगवाने जा रहे हैं पनीर कबाब विद पराठा। हाँ, पनीर कबाब प्लेट पराठे के साथ, ठीक है। तो भैया ने यहाँ पे प्याज हरी मिर्च। बढ़िया। तो एक भैया स्पाइसी होता है ये वाला? चटपटा होगा, ठीक है। बोरो गंदे ना, ये टमाटर, नमक, ये वेज कबाब मिक्स करने जा रहा, दो पीस कबाब चने वाला, टमाटर, हरी मिर्च, मिर्चा पड़ गया, अब पनीर डालने जा रहा हूँ। क्या पता है, ये तो पनीर की बारी हो रही है। तो गाइस ये वाला जो है ना बहुत ही हैवी होने वाला है, तो आप ट्राई कर सकते हो ये वाला भी, जो पनीर के काफ़ी शौकीन है। This is something like, आपने कभी पनीर की भुर्जी खाई होगी उस तरह से बनेगा ये विद पराठा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़ ना? दो कबाब दो पराठे, दो कबाब और दो पराठा। क्या बात है, फिर से कबाब की शेप में आ गया है। तो बढ़िया टिक्की बन गई है इसके। तो गाइस ये हमारा पनीर कबाब भी रेडी हो गया है और इसके साथ आने वाला है पराठा। भैया ने ऊपर से डाल दिया है चाट मसाला, चाट मसाला, प्याज, नींबू, चटनी हरी। गाइस हमने सारे कबाब लगवा लिए हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा टेबल सज गया। तो गाइस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको वेज कबाब जो है, वेज कबाब टिक्की के साथ पराठा लिया हमने, और दूसरा मैं दिखा रहा हूँ वेज पनीर कबाब जो मैंने पराठे के साथ लिए, देख रहे हो आप, और तीसरा जो है हमारा वेज गलौटी कबाब टिक्की, एंड दिस इज रोल वेज कबाब रोल। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं इनका। सबसे पहले वेज कबाब जो काफी फेमस है विद पराठा, तो ये हमारा पराठा है। तो गाइस ये वेज कबाब टिक्की और ये साथ में पराठा मैंने बाइट लिया, और ये इनकी ग्रीन वाली चटनी स्पाइसी, तो कुछ ऐसे है, मतलब ऐसे खाएंगे।
कबाब जो टिक्की है बहुत ही बढ़िया गाइस, जो टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, ना नमक कम है ना किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है। पराठे का खा के बहुत बढ़िया लगा। और इनकी जो चटनी है ग्रीन वाली थोड़ी सी स्पाइसी है, मतलब लेकिन स्पाइसी अच्छी लगेगी इसके साथ, प्याज के साथ अगर हमने टेस्ट करनी है तो स्पाइसी पर ना हो उसमें तो मजा नहीं आता। तो हम दूसरा ट्राई करते हैं वेज गलोटी विद पराठा। जो वेज कबाब था वो दाल वाला जो आपको मिक्सर दाल सोयाबीन कच्चा केला, तो वेज गलोटी में जो है वो मिलता है राजमा का कटहल और कटहल। वेज गलोटी की है, वैसे अगर मैं वेज गलोटी की बात करूं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट टेस्ट आप कह सकते हो टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये भी अच्छा है, मतलब सेम ही लग रहा है मुझे तो, वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन ये भी अच्छा है। अगर आप हेल्दी की बात की जाए तो हेल्दी है। और अब मैं एक लास्ट बाइट लेने जा रहा हूँ पनीर की वाली के साथ। ये है गाइस, जो पनीर के दीवाने हैं ना गाइस, वो तो यही बनवाना गाइस, मजा आ गया खा के। तो गाइस नंबर वन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये हेल्दी है बहुत ही, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। अब मैं इसका लास्ट रोल ट्राई करने जा रहा हूँ, जो मैंने वेज कबाब रोल लगवाया था, दिस इज लाइक रोल, तो रोल है गाइस, नॉन वेज पेड़ है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, जब भी आप नोएडा में आए सेक्टर 29 ब्रह्मपुत्र मार्केट में, मैंने यहाँ का सब कुछ ट्राई कर दिया, मेरे को किसी चीज में कोई कमी नहीं लगी। गाइस आप आ सकते हो और ट्राई कर सकते हो, एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस प्लीज आइए और आप भी ट्राई कीजिए यहाँ का लखनवी जायका, जो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे खाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।